God is going to fill you with good things. परमेश्वर आपको भली वस्तुओं से भरने जा रहा है. Matthew 7:11, the promise comes from the Lord as this. और यहोवा से मत्ती 7:11 की प्रतिज्ञा कुछ इस तरह से आती है. How much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? Jesus says, यीशु कहते हैं, ask anything in my name and I will do it. तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगो, मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा. John 15:16. यूहन्ना 15 वचन 16 में. John 16:24. 16 के वचन 24 में. John 14:13 and 14. यूहन्ना 14, 13 और 14 वचन में. He wants to give you good gifts so that your heart will be full of joy. वो आपको भली चीजें देना चाहता है ताकि आपका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो. I command good gifts from heaven to flow into you right now in Jesus name. यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि इसी समय स्वर्ग से भले इनाम भली वस्तुएं आपके जीवन में बहती चली आएं. Would you say amen? क्या आप कहेंगे आमीन? May it be so. ऐसा ही हो. In James 1:17. याकूब 1:17 में. The Bible says. बाइबल कहती है. Every good thing given and every perfect gift is from above. हर एक भली वस्तु और उत्तम दान स्वर्ग से है. Coming from the Father of all light. जो कि ज्योति के पिता से आता है. Everything will be bright, beautiful and full of life as God gives you good things from heaven. जब परमेश्वर स्वर्ग से आपको भली वस्तुएं देंगे तो वो सब जो है रोशन चमकदार और भले ही होंगे. God is producing everything from heaven for you. परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए हर एक चीजों को उत्पन्न कर रहे हैं. Jesus himself is the good gift for you. यीशु स्वयं आपके लिए वो भला इनाम है. Thanks be to God for his indescribable gift, the Bible says. बाइबल कहती है कि परमेश्वर का उसके दानों के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद. He is a gift to you. वो आपके लिए एक गिफ्ट है. Receive him as a gift this day. और आज उसे आप एक गिफ्ट के रूप में स्वीकार करें. He will come into you. वो आपके अंदर आएंगे. Jesus is not coming to you into your life as your heavenly father because of your righteousness but because of his righteousness. यीशु आपके पास आपके अंदर स्वर्गीय पिता बन करके आपकी धार्मिकता के नहीं लेकिन उसकी अपनी धार्मिकता के कारण से आ रहे हैं. He is your good gift. वो आपके लिए भला वरदान है. Receive Jesus. यीशु को स्वीकारें. And the scripture says. और शास्त्र कहता है. In Psalm 84:11. भजन संहिता 84 वचन 11 में. God will not withhold any good gift from you. परमेश्वर कोई भी भला वरदान या अच्छी चीज आपसे रोक न रखेंगे. Along with Jesus, he will give you everything richly to enjoy. यीशु मसीह के साथ वो हर एक चीजों को बहुतायत से देंगे ताकि आप हर एक चीजों का आनंद लें. Along with the good gift Jesus Christ, he will give you all the good gifts for you to live in this world richly, richly for you to enjoy. प्रभु यीशु मसीह जो भले वरदान है उनके साथ वो हर एक भली चीजें आपको देंगे ताकि आप इस संसार में उसका बहुतायत से आनंद लें. The Lord will never withhold any good thing from you. प्रभु यहोवा आपसे कभी भी कोई भी भली वस्तु रोक न रखेंगे. And Psalm 103 and verse 5. भजन संहिता 103 और वचन 5 में. God will satisfy your years, your age, your life with good things. परमेश्वर आपकी आयु को आपके जीवन को भली वस्तुओं से तृप्त करेगा. And Psalm 107 and verse 9. और भजन संहिता 107 और उसका वचन 9. He will satisfy your soul, your thirsty soul with good things. वो आपकी प्यासी आत्मा को भली वस्तुओं के साथ तृप्त करेगा. And in Job 22:18. अय्यूब 22:18 में. The Lord will fill your house with good things. परमेश्वर यहोवा आपके घर को भली वस्तुओं से भर देंगे. Amen. Amen. And in Luke 11 and verse 13. और लुका 11 वचन 30 के अनुसार. The Lord will give you the greatest good gift. That's the Holy Spirit. प्रभु यहोवा आपको सबसे बड़ा अच्छा वरदान देगा जो पवित्र आत्मा है. Father, in the name of Jesus, I claim the good gifts that you have promised now
फॉर योर चिल्ड्रन। पिताजी यीशु के नाम में मैं दावा करता हूँ हर एक भले वरदानों का जिनकी आपने प्रतिज्ञा की है आपकी संतानों के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस